हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, एक टॉपिक ये गलती से रह गया था तुम्हारा, कैलेमेंटल थर्मोमाला, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आपका, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएससी, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, इनमें सभी में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ऐसे कुछ एग्जाम है हमारे जिनमें डिस्ट्रक्टिव तरीके से पूछा जाता है, बाकी ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हमने सभी लगवा दिए इसके। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। ये तुम्हारा देखो इसका स्टेटमेंट होता है कैलेमेंटल फॉर्म का, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इसका स्टेटमेंट होता है। ए मैट्रिक्स ले लिया ऑफ ऑर्डर एन का, देन द करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ए माइनस लैम्डा आई ले लेंगे, फिर करेक्टरिस्टिक इसका इक्वेशन होता है ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ए टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो वन इक्वल्स टू जीरो। ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वो इसका स्टेटमेंट होता है तुम्हारा कैलेमेंटल फॉर्म का। ठीक है, आप इसे अच्छे से लिख लें। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, इनमें सभी में पूछा गया स्टेटमेंट है, आप इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और देखो इस पर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, फाइंड द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा है, दूसरी बात वेरीफाई इट्स सेटिस्फाई बाय ए, हैज फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स और पूछा है इसका, तो देखो इसको डिस्कस करते हैं। आप इसका स्टेटमेंट लिख लें पहले। ठीक है, हाँ इसको डिस्कस करते हैं, इसका स्टेटमेंट ले लें। ठीक है, हाँ देखो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ इधर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन है आपका, ए इक्वल्स टू दिस दिया है, तो इसका आंसर लिखते हैं, आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। ए इक्वल्स टू दिया है ये हमारा, तो हम सबसे पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए इज, मैट्रिक्स ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो। तो डिटरमिनेंट्स में से लैम्डा को हम डायगोनल एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ टू होगा। ठीक है, कितना है टू, तो विकर्ण में से लैम्डा घटा दें, वन माइनस लैम्डा जीरो, टू जीरो, टू माइनस लैम्डा वन, टू जीरो, थ्री माइनस लैम्डा, इसके डिटरमिनेंट को हम खोल देते हैं, तो वन माइनस लैम्डा ये टू माइनस लैम्डा, थ्री माइनस लैम्डा और ये माइनस जीरो। ठीक है, अगला स्टेप जीरो हो जाएगा, ये पूरा ही जीरो है। ठीक है, अगली स्टेप हमारी क्या है, जीरो, फिर अगली स्टेप लेगी ये बंद ये बंद ये जीरो, जीरो माइनस टू इंटू टू माइनस लैम्डा इक्वल जीरो। तो ये थ्री स्टेप बने हैं हमारे, कितना देखो, वन माइनस लैम्डा, टू माइनस लैम्डा, थ्री माइनस लैम्डा और ये प्लस माइनस माइनस फोर और ये टू माइनस लैम्डा इक्वल जीरो। ठीक है, इसको हम हल कर लें, टू माइनस लैम्डा कॉमन ले लें इसमें से, टू माइनस लैम्डा तो यहाँ बच जाएगा वन माइनस लैम्डा और थ्री माइनस लैम्डा माइनस फोर इक्वल जीरो, और टू माइनस लैम्डा इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा
थ्री माइनस लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर इक्वल जीरो, और ये बन जाएगा टू माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा और माइनस का वन इक्वल जीरो, ये बन जाता है हमारा, ठीक है, ये बन जाता है लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री प्लस टू जीरो। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें टू लैम्डा स्क्वायर माइनस एट लैम्डा माइनस टू और माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब प्लस फोर लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो माइनस लैम्डा क्यूब, और ये कितने हो गए प्लस का सिक्स लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस का सेवन लैम्डा और ये कितना हो गया, ये टू है केवल, टू ही तो है, माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और ये लैम्डा के कितने हो गए माइनस सेवन लैम्डा है, सेवन लैम्डा माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस सेवन लैम्डा प्लस सेवन लैम्डा प्लस टू इक्वल जीरो, लैम्डा क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सेवन लैम्डा प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ तक लिख लें आप स्क्रीन शॉट ले लें, फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर इसको इरेज करते हैं ऊपर से थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ लैम्डा रिप्लेस बाई ए, लैम्डा रिप्लेस बाई ए, तो ए क्यूब माइनस सिक्स लैम्डा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेवन ए प्लस टू आई इक्वल जीरो, ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, एक तो आंसर यही पूछा था हमारा, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू, ओके। अब वेरीफाई के लिए एलिमेंटल फॉर्म करना है, इसको इरेज कर देते हैं, वेरीफाई के लिए क्या करना है हमें, वेरीफाई के लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए ए क्यूब चाहिए, वेरीफाई के लिए एलिमेंटल फॉर्म है, वेरीफाई के लिए एलिमेंटल फॉर्म, तो ए स्क्वायर चाहिए हमें ए इंटू ए, ठीक है, ए कितना है और इसका ए का ए में मल्टीप्लाई वन जीरो टू और जीरो टू वन टू जीरो थ्री वन जीरो टू और जीरो टू वन टू जीरो थ्री, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो देखो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इनटू दिस वन जीरो और फोर फाइव हो गया ये, दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस जीरो हो जाएगा, ठीक है, अब इसका फोर जीरो सिक्स टेन हो जाएगा, ये बना फाइव जीरो टेन फाइव जीरो एट आ रहा है, फाइव जीरो देखो इसका टू जीरो सिक्स एट आएगा एट, अब दूसरे को उठा जीरो 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 टू, इसको उठा लो जीरो टू टू फोर, इसको उठा जीरो टू और थ्री फाइव जीरो टू जीरो सिक्स टू सिक्स एट और जीरो 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 और ये फोर जीरो और नाइन फोर और नाइन थर्टीन, ये बनता है तुम्हारा फाइव जीरो एट फाइव जीरो एट टू फोर फाइव और एट जीरो थर्टीन, हमें इसमें ए क्यू की और आवश्यकता रहेगी, ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, ओके ए स्क्वायर लिख लें और ए लिख लें, ए जीरो टू वन और टू जीरो थ्री और ये फाइव जीरो एट और टू फोर फाइव और एट जीरो थर्टीन, ये बनता है रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर लें इसका, ठीक है, देखो फाइव जीरो और सोलह, फाइव सोलह कितना हो गया ट्वेंटी वन, ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो और ये टेन जीरो और चौबीस थर्टी फोर थर्टी
34 आ गया। अब दूसरे को डिस्कस करते हैं, 2 0 2 10 12, ये 0 8 और ये 0। अब इसका इसमें करें, 4 4 8 8 और 15 कितना होगा, 8 15 23, ठीक है, ये बन जाएगा 12 8 23। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 8 0 और 26, 26 और 8 34, 0 0 ये भी 0, और ये 16 0 39 और 16, 40 55 आ जाएगा, ठीक है, 34 0 और 55। ये दीज वैल्यू सब किसमें भरते हैं, इन फर्स्ट में, किसमें भरते हैं, फर्स्ट में। तो ए क्यू माइनस 6a² + 7a + 2i इज इक्वल्स टू, ए क्यू हमारा कितना है, ए क्यू है हमारा 21 0 34 और 12 8 और 23, 34 0 और 55 माइनस 6a। ए स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं, ए स्क्वायर हमारा आया था 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और प्लस 7a, ए का वैल्यू लिखते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और प्लस 2i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सभी एलिमेंट सभी के वैल्यू भर दी हमने, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें 21 प्लस के देखते हैं, 21 और 7 28 प्लस 2 30 और 6 5 30, तो ये दैट इज 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये सब 0, और ये 34 प्लस का 34 और 14 कितना हो गया 48, और ये 0 और 8 6 48, ये सब 0 बन गया हमारा, तो ये क्या आ गया 0। इसलिए ए क्यू माइनस 6a² + 7a + 2i = 0 वेरीफाइड केले हेमेंटल थ्योरम। ये वेरीफाई हो गई तुम्हारी केले हेमेंटल थ्योरम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से याद आता है तो ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो इसमें फाइंड द ए इनवर्स, हेंस ऑब्टेंड बाई ए इनवर्स, और पूछा है केले हेमेंटल थ्योरम की हेल्प से, तो इसको हम इरेज करते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ए इनवर्स हमें और पूछा है, तो देखो ए इनवर्स को हम कहां डिस्कस करें, ए इनवर्स को हम इधर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, यहां पर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, पीसीएस में पूछा गया है और मेरठ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो इसको उठाएंगे, 2i = क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख दें तो 6a² + -aq और ये माइनस 6a² इधर आ गया, -aq - 7a, ये बन जाता है a इनवर्स का, इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, a इनवर्स का क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो यहाँ a बच जाएगा, यहाँ a² बच जाएगा, -7i बच जाएगा, a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दो का फिर डिवाइड हो जाए, ठीक है। 6a, a का वैल्यू बढ़ दें, a का वैल्यू है हमारा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ए स्क्वायर का वैल्यू बढ़ते हैं, ए स्क्वायर में ये आया था हमारा 5 0 8 और 2 4 5 और 8 0 13 8 0 13 और -7i, i का मतलब जानते हो माइनस, यहां लिख देते हैं -7i, i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया हमारा, ठीक है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और 5 0 8
2, 4, 5, 8, 0, 13, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो इसमें इसको सिंप्लीफाई करें, 2 a बस, देखो ये ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है हमें। देखो प्लस का 6 और कहीं प्लस का 6 और तो कहीं माइनस का 5 और माइनस का 12 और प्लस का 6 माइनस का 6 बचा, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0। अगला प्लस का 12 और माइनस का 8 प्लस का 4 बचा, ठीक है। अगला एलिमेंट ये 0 है, ये माइनस 2 और ये 0, ये तो माइनस 2 आ जाएगा, ये 12 है, 12 और माइनस का 4 और माइनस का 7 माइनस का 11, तो प्लस का 1 बचा, ठीक है। हाँ अगला 6 और ये माइनस का 5 माइनस का 7 12, तो माइनस का 6 बच जाएगा, 12 माइनस का 8 4 बचता है प्लस का, ये 0 ये 0 ये भी 0। 18 प्लस का और ये माइनस का 13, ऐसे करके लिख दिया करो, तो ये 18 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस का 2 बच जाता है, ये बचता है तुम्हारा, ठीक है। हाँ और इसमें 1/2, हाँ इसमें देखो माइनस का 6 बचा था, ये 6 है और ये माइनस का 5 है और ये 0 है, तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 का मतलब 1/2 आ जाएगा, ये कितना बचा है, 1 बचेगा, बन ठीक है। इसको आप देख ले समझ ले, देखो पहला एलिमेंट देखो हमने 6 माइनस 5 माइनस 7 कितना बच रहा है, 6 माइनस 12 माइनस का 6 बचा पहला एलिमेंट, दूसरा 0 0 0, ये 0 हो गया। अगला 12 माइनस माइनस के 8 और ये 0 कितना बचा, 4 बच गया। अब दूसरे को चेक किया, ये 0 और ये 0 हो गया और ये 0 माइनस 2 और ये 0, 0 ही तो हो गया, ये 0 नहीं है, तो माइनस का 2 हो गया। दूसरा 12 और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 7 कितना बचा, 12 माइनस 11 इक्वल्स टू 1 बचा। अब दूसरा 6 और ये वाला देखो 6 माइनस 5 और ये 0 तो 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे करके ये एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड में आ जाएगा माइनस 6 0 और 4 माइनस 2 1 1 और 4 0 माइनस का 2, ये बन जाता है आपका। चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 0 2 माइनस 1 1/2 और ये 2 और ये 0 और ये माइनस का 1, दिस इज आंसर, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गैलेरमेंटल थ्योरम, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लिखें, एक क्वेश्चन और हम अगले वीडियो में डिस्कस करा देंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया था, उससे हमने गैलेरमेंटल थ्योरम को वेरीफाई किया था, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला उसका और उसकी हेल्प से हमने ए इनवर्स डिस्कस किया था। इसमें कुछ नहीं, हमें गैलेरमेंटल थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब जो एक क्यू में आता है, जैसे 3 ऑर्डर में है हमारा कोई मैट्रिक्स तो 3/3, तो ए क्यू में हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है उसमें ए क्यू तक का वैल्यू निकाल के उसमें फिल अप कर देते हैं, तो वो 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम ए बस डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट दे लें, लिख लें साथ के साथ, और अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ये बीच में टॉपिक रह गया था, ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस कर दिया है। ओके बाय।